सो लेट्स से हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर इन सच अ मैनर दैट द रेट ऑफ डिक्रीज, राइट, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसका ध्यान रखना है. ओके, अ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस. ठीक है, सर्फेस मतलब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, सर्फेस एरिया. ठीक है, प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट. हमें रेडियस का रेट ऑफ जो डिक्रीज होगा उसे कॉन्स्टेंट प्रूव करना है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रेट ऑफ चेंज. ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं दो बहुत बेसिक बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखी है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तुमने चीज पढ़ी थी, प्रोपोर्शनैलिटी तुमने फिजिक्स में भी ये चीज कई बार पढ़ी होगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, right, and the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between them. Gravitational force ka formula tum sab ne pad rakha hai, isko kaise likhte ho, force is proportional to m1 into m2 divided by r square. And how do you change this proportionality? You replace it with equal to by putting any proportionality constant, in this case it is capital G, right. To agar koi bhi cheez directly proportional hai matlab k टाइम्स आप उसको एज इट इज लिख लोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर आप नीचे लिखोगे. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है बीच से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी, इस तरह के वर्ड्स तुम्हें बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे, तो इन बेसिक चीजों को आप सर्टेनली ध्यान रखेंगे बच्चों. ठीक है, यू विल सर्टेनली कीप दैट विद यू. ओके, आप इन चीजों का बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखें. ठीक है, इन चीजों को आपने प्रॉपरली ध्यान रखना है कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस में आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीजें मिलेंगी. ठीक है, सो प्लीज टेक दैट. आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. लेट्स सी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात, और आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में. Now that you understand proportionality का मतलब क्या होता है, अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है. स्फेरिकल बॉल है, राइट, इसका क्या डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम की जो डिक्रीज है. ठीक है, स्फेरिकल बॉल है तो पहले वॉल्यूम की बात हो रही है, तो मैं वॉल्यूम पहले लिख लेता हूँ कितना होता है. ये बात तो हमें मालूम है, इट इज 4/3 πr³, वी नो दैट, राइट. और क्या बोल रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम का डिक्रीज है, राइट, वॉल्यूम का रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज क्या होता है बेटा, dv/dt. This rate of decrease of volume is proportional to the surface area. Let's say the surface area is S. And you know, in formula, in terms of formula, the surface area of any sphere is what? It is 4πr². ठीक है? तो इस proportionality sign को अगर मैं equal to से replace करूं बेटा, तो मेरे पास एक constant k आएगा. ठीक है? मेरे पास कोई भी एक constant k आएगा. और क्योंकि ये वाली बात हमें बता रखी है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, राइट, सो इफ आई अज्यूम दैट के इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, इफ के इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो dv/dt को मैं क्या लिखूंगा, माइनस के इंटू एस, दैट इज व्हाट आई विल राइट हियर. ठीक है, अब देखते हैं ये जो ऊपर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, मैं यहाँ से dv/dt कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 4π इज अ कांस्टेंट, r क्यूब की डेफिनेशन मेरे पास हो जाएगी 3r², नीचे मेरे पास एक और 3 है, और साथ में एक टर्म आएगा आपके पास क्या, dr/dt, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t एंड यू आर गेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ r. तो इस केस में आप जिस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते थे वैसे यूज करेंगे, राइट. दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस k इनटू s, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, The value of S is 4πr². हमें क्या प्रूव करना था, हमें dr/dt के बारे में कुछ प्रूव करना था, राइट, द प्रूव दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है, तो dr/dt हमारे पास है, सारी चीजें कुछ अच्छी सी दिख रही हैं, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस 4π विल बी कैंसिल्ड बाय दिस, r² भी कैंसिल होता हुआ दिखता है, और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, क्या, ये जो dr/dt है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस k. Is it that we were supposed to prove? Certainly yes. Prove that the radius is decreasing at a constant rate.
So dr by dt is coming out to be a k, which was a positive constant. और क्योंकि यहाँ पे तुम्हें माइनस साइन है तो दैट इंडिकेट्स व्हाट दैट dr by dt इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ k एंड k इज अ कांस्टेंट. इज इट ओके एवरीवन? कैन यू रेज हैंड सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाउट दैट हैज बीन गिवन बाय यू पीपल. इफ देयर इज एनी डाउट एनीथिंग दैट यू नीड टू डिस्कस प्लीज डोंट हेजिटेट. पूछो, डिस्कस करो. ठीक है, कहीं कुछ भी ऐसी बात है डिस्कस. हां बोलो सर. इसमें s का फॉर्मूला को लिया. एस का फॉर्मूला इसलिए लिया बेटा क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल किसके है, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है. जब कभी भी सरफेस वर्ड इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है तो सरफेस को आप हमेशा क्या समझेंगे, आप सरफेस एरिया ही समझेंगे. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल दे रखा है, मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा था दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. ठीक है, और क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया था डिक्रीज, इट इज डिक्रीजिंग, तो इसीलिए जब मैंने इसको इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू से सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने साथ में इसमें माइनस के लगाया, जहां मैंने ये अज्यूम किया कि के इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी तो ये डिक्रीज होगा ना बेटा. ओके ओके सर. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने दिया था, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट? ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे. देखो क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझने की कोशिश करना. फाइंड एन एंगल थीटा वेयर थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2. ठीक है, थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए, व्हिच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन. ओके, थीटा क्या है, ये, और इसका साइन क्या होगा, ये. ठीक है, क्या क्या रहे, इंक्रीज. इंक्रीज कैसे देखते हो भाई, रेट ऑफ चेंज, राइट? You need a value of theta that increases twice as fast as its sine. जिस rate से sine of that angle is increasing, theta उसके double rate से increase होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस theta value की exact value निकालनी है. तो चलो देखते हैं क्या है. सबसे पहली चीज तो इसको तुम्हें word में जो convert करना था, that was the most important thing. देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज तुम अभी तक डिफरेंशिएशन तो अब तुम काफी अच्छे अच्छे इक्वेशंस को कर चुके हो. नाउ व्हाट लाइज अहेड इन द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चिल्ड्रन इज द फैक्ट दैट हाउ वेल यू आर, हाउ गुड यू आर व्हेन यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद सर्टेन यू नो वर्ड प्रॉब्लम्स, और वहां पे आप उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सही तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको सही तरीके से मैथमेटिकल कन्वर्जन आप कर पा रहे हैं कि नहीं. अगर आप वो कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ठीक है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, राइट, कि एंगल जो है थीटा दैट इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट, यहां मुझे टी लिखना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, राइट, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टी देख रहे हैं ना. ठीक है, इज इंक्रीजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द साइन थीटा. ठीक है, साइन ऑफ दैट एंगल, तो हमने ये लिखा. अब लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी करना नहीं है, राइट साइड पे मैं क्या करूंगा, यहाँ थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये वाली चीज हो जाएगी कॉस थीटा, और साथ में मेरे पास एक टर्म कौन सा आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी. इधर भी आपके पास है क्या, डी थीटा बाई डी टी. ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, आप अगर चाहें तो इस दोनों टर्म्स को एक तरफ ले आइए, राइट, मैं यहीं पे कर देता हूँ. अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा बेटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. यहाँ पे मैं d थीटा बाई डी टी को कांस्टेंट ले लेता हूँ और ये चीज मेरे पास आ जाती है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल टू 0. नाउ दे आर सेइंग दैट ये वाली चीज जो है वो 0 नहीं है, ये इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है मतलब d थीटा बाई डी टी आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये कभी 0 नहीं हो सकती. तो व्हाट विल बी 0, द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन विच इज 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यू से 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos थीटा, और यू से हाफ इज इक्वल टू cos थीटा. Now, where lies the theta? In the first quadrant. So, what is the value of theta, beta? Theta half, cos theta half, kab hota hai? At pi by 3. Right? Jisko aap 60 degree bhi keh sakte the. But main hamesha suggest karta hoon ki aap radians prefer karein. Theek hai, bacha? If it is okay, can you please raise your hand? If that is okay, can you please raise your hand? Theek hai. If there is any doubt, please ask. Theek hai? चैट बॉक्स में, माइक से, जैसे तुम चाहे वैसे पूछो, बट पूछो. ठीक है, डाउट्स ले, क्लास के बाद जब आप जाओ तो जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उनमें डाउट्स नहीं होने चाहिए, प्लीज मेक श्योर दैट. ठीक है, ऑलराइट, आई विल प्रोसीड अहेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन समृद्धि दैट यू गेव मी
इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. हम ये करेंगे बेटा, जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस करेंगे तो हम इस टाइप के काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. तो क्योंकि मैंने तुम्हें अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बताया तो मैं इस डाउट को अभी नहीं करा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन पे ले लिया है, ठीक है. बट हाँ, इस डाउट को हम तब करेंगे जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस करेंगे, ठीक है. सो आई कीप इट फॉर द क्लास व्हेन वी विल बी डूइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. तो उस टाइम पे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे, ठीक है. सो आई एम स्किपिंग दिस. मैं अब स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 की तरफ मूव करूंगा. लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन एक्सरसाइज 13.1, ऑल्दो इसके जितने भी मेजर टाइप्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे. सो इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन टेल मी राइट नाउ 13.1 में, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू 13.2. Okay, so let me take you to the next exercise. That is exercise 13.2. आइए देखते हैं. Exercise 13.2 में कुछ different variety of questions करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जब अपने level पे इनको करना शुरू करें तो आपको कम से कम doubts आने चाहिए, ठीक है. आओ शुरू करते हैं बहुत basic question से. Let's say question number 2 ले लेते हैं, right? ठीक है, question number 2 लेते हैं. देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में. ये छोटी छोटी चीजें ही मैटर करेंगी, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज नॉट एट ऑल विल बी चैलेंजिंग फॉर यू, ठीक है. एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s. ओके, आई होप यू नो व्हाट इज अ क्यूब, ठीक है. क्यूब के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है. जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो डाइस होता है ना, दैट इज क्यूबिकल इन शेप, राइट. कुछ कुछ ऐसा होता है, आई एम नॉट गुड वेरी गुड विद ड्राइंग, बट हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है. दैट इज योर क्यूब. क्यूब में द लेंथ विड्थ एंड हाइट एवरीथिंग इज ऑफ द सेम साइज, राइट. ये सब ए, अगर आप ए ले रहे हो या एक्स ले रहे हो, सब के सब वैसे ही होंगे, ठीक है. तो मैंने इसको ए लिया, दिस इज ए, हाइट को मैंने ए लिया और इसकी विड्थ को भी मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है. तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट. मैंने कल क्यूब डिस्कस नहीं किया था इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, अदरवाइज मैंने बहुत सारे बेसिक डायग्राम्स डिस्कस किए थे. एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ठीक है, ये वेरिएबल क्यूब है, मतलब द क्यूब इज वेरिंग, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s. यानी जो इसका एज है, राइट, डी ए ओवर डी टी, दिस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s. दिस इज गिवन टू अस, ओके. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? When A is 10, you are supposed to find what is dV by dt. So not a problem at all. I hope you know that the volume of any cube is A cube. And I, halaki is question mein zarurat nahi hai, but fir bhi aap dhyan rakhiyega. The total surface area of any cube is 6a square. Theek hai, ye sab basic baatein zarur aapko pata honi chahiye. Now, we are supposed to find what? We are supposed to find what is dv by dt. So, let us differentiate both sides with respect to t. Agar main iska d by dt karunga, to again, wo choti choti cheeze hain jo humne differentiation mein pad rakhi hain, iska dhyan rakhna hai. Ye kya ho jayega? Chalo, main bilkul step by step kar deta hun. Isko hum log kya karte hain? Isko hum log d by da respect kar, differentiate karte hain. Aur saath mein humare paas ek term kya jata hai? Da by dt. ठीक है, दैट टर्म वी, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है. जनरली कई बार बच्चे अगर सिली मिस्टेक करते हैं तो ये वाला टर्म मिस कर देते हैं, ठीक है. तो ये आपको मिस नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है. तो डी ए ये कितना हो गया बेटा, ये 3 a² हो गया. और डी ए बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है. कितनी है? इट इज 3. सो इज दैट योर आंसर? सर्टेनली यस. डी वी बाई डी टी आपको निकालना था, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, तो कितना हो गया ये? दिस इज कमिंग आउट टू बी 300. 10 का स्क्वायर इज 100 और ये आपके पास आ गया 3. So what is going to be the answer? The answer is 900. Unit क्या लिखोगे? Unit हमेशा लिखना. Unit के marks होते हैं, ध्यान रखना. Unit क्या लिखेंगे आप? cm³/s. ठीक है? That is your answer. If it is okay, quickly raise your hand, children. Quickly raise your hand if that is okay. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तुम कोई भी क्वेश्चन अपने साइड से भी पूछ सकते हो, ठीक है. मैं जैसे जैसे इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ रहा हूँ, तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन अपने लेवल पे पूछना है, यू नो दैट आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर क्वेश्चंस, ठीक है. तो मैं, मेरा पर्पस ये है कि मैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूँ, बट बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ सर ये भी बता दो तो आप बताना, मैं पहले उसी क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है. आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. ये स्फेरिकल वाले ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें काफी मिलेंगे, राइट. यू विल गेट सेवरल सच क्वेश्चंस. तो आइए इस क्वेश्चन को पे तरफ मूव करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज दिस.
a radius of a spherical soap, right? Spherical soap है बेटा, spherical you know it is just like a football, right? यहाँ 2D पे तो मैं ये circle ही draw कर पा रहा हूँ. Spherical is what? Just like a football. That is exactly a sphere, okay? Earth is spherical, right? आपने ये सब बातें पढ़ रखी हैं. Okay, क्या दे रखा है इसमें? The radius of a spherical soap bubble is increasing at this rate, ठीक है? Let's say the radius is r, right? At any moment it is r. So they have given the fact that dr by dt is 0.2 centimeter per second. Okay? They have provided us this fact. Okay? So, usko main yahan alag kar leta hu. All right. Ye हमने स्क्वायर बना लिया, ये फैक्ट जो दे रखा है लिख लिया, ठीक है? आप भी इस तरीके से लिख लिया करो, राइट? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया बताना है. अब जैसे ही सरफेस एरिया बताना है तो हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए. दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ऑलराइट, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 7. हमें बताना है व्हाट इज डीएस बाई डीटी when the radius is 7. That is what we are supposed to find. So I don't think it is a problem at all. You are going to differentiate equation number 1. Kitna aayega beta? That will be 8 pi r. Aur saath mein kya aayega? dr by dt. Theek hai, maine ek step beech mein ignore kar diya jo main last question mein kiya tha. I hope aap samajh rahe hain. 8 pi r, r ki value 7 de rakhi hai, right? देखो, जब कभी भी R 7 दिया होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पाई को 22/7 लिखा है, ठीक है? ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो चीज़ 7 इजीली कट जाती है, और अगर उन्होंने 7 या 7 का कोई मल्टीपल नहीं दिया है तो तुम उसको पाई के फॉर्म में रहने दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? यू कैन कीप इट इन द फॉर्म ऑफ पाई. बट अगर 7 दे रखा है या 7 का कोई मल्टीपल दे रखा है, तो आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप उसको 7 लेकर के 22/7 लीजिए पाई की वैल्यू, और फिर आप उसको कैंसिल कर दीजिए. यदि सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर जिसको आप ध्यान रखेंगे, तो ये वाली चीज आपकी कैंसिल हो गई. कितना हो गया? ये आपके पास आ गया 1.6, राइट? 1.6 इनटू 22, दैट इज योर डीएस बाय डीटी, दैट इज योर डीएस बाय डीटी. कितना हो जाएगा? 16 टू जा 32, 32 प्लस 3 इज 35. सो मैं क्या लिखूंगा? 35.2, और इसके यूनिट्स क्या लिखूंगा बेटा? इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. डोंट मिस द यूनिट चिल्ड्रन. If it is okay, can you please show me your hands up? If that is fine, can you please show me your hands up? Okay. बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? कुछ भी बेटा नहीं समझ में आ रहा, please don't hesitate, पूछ लीजिएगा, ठीक है? Make sure you are asking your doubts. तो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ अभी क्यूब का डिस्कस किया, एक मैंने सोप बबल यानी स्फेरिकल का डिस्कस किया, स्फेयर का डिस्कस किया. आओ आगे देखते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पिक करते हैं. अच्छा, ये जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है. ये जो शैडो वाला है, ठीक है? देखो, इसको कैसे डील करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, ये भी ध्यान से देखना. अ मैन 2 meters हाई, ठीक है? हमेशा मैंने तुम्हें एक बात कल से ही बता रहा हूँ कि कभी भी तुम एओडी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्लीज मेक अ रेलेवेंट डायग्राम. डायग्राम के एक मार्क्स, हाफ मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन जरूर से होते हैं. सो बी इन द हैबिट ऑफ ड्रॉइंग अ डायग्राम, ठीक है? देखिए, वैसे भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बिना डायग्राम के सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि या तो आपने चीटिंग की है या फिर आपने रट रखा है, आपने उसको समझा नहीं है, ठीक है? बिना डायग्राम के ये वाले क्वेश्चंस, स्पेशली ये जो पोल वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं हो पाते, ठीक है? सो यू शुड बी इन द हैबिट ऑफ ड्रॉइंग सच डायग्राम्स. अ मैन इज 2 meters हाई, ठीक है? मैन इधर कहीं बीच में बना लेते हैं, ठीक है? डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पाया, तुम स्केल यूज कर लेना, ज्यादा अच्छा बनेगा तुम्हारा, राइट? Let's say this is our man. I call it MN. Okay, I call it MN. ठीक है? मैं इसको बिल्कुल सॉल्यूशन वाइज करके बताता हूँ, जैसे तुम बोर्ड एग्जाम में करोगे, ठीक है? आंसर शीट में कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा और बिल्कुल सॉल्यूशन वाइज करके बताऊंगा, ध्यान से देखना. सो MN इज द मैन हु इज 2 meters हाई, एंड देर इज अ लैम्प पोस्ट, लेट्स से LP इज द पोस्ट, एंड दिस इज 6 meters हाई एज पर द क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज आवर 6 meters हाई. फाइंड द रेट. अच्छा, द मैन वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. ये जो मैन है, इसकी स्पीड है
राइट, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? इट इज 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, नो प्रॉब्लम. फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग. ठीक है, चलो भाई देखो, अब ये जो पर्सन है, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पीड है ये पर्सन की स्पीड है. शैडो की स्पीड हमें निकालनी है, राइट? तो पर्सन तो यहाँ से चल रहा है ना. लेट्स नॉट फॉरगेट, द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इधर अवे फ्रॉम द पोल, यहाँ से जा रहा है. तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है हाउ, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो भी चीज़ तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है वहाँ तुम्हें वेरिएबल्स को तुमने अगर सही तरीके से ले लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैं मैन की जो मूवमेंट है इसको एक्स वेरिएबल से लेता हूँ और जो शैडो की मूवमेंट है इसको वाई वेरिएबल से लेता हूँ. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना. मैंने मैन की मूवमेंट को किस वेरिएबल से डिनोट करा, एक्स को, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स इज द डिस्टेंस एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट बिटवीन द लैम्प पोस्ट एंड द मैन, एंड और यू कैन से राइट दैट इज द डिस्टेंस. और इसका जो लेंथ ऑफ द शैडो है मैंने इसको वाई लिया है. ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस एज द मैन इज मूविंग सो सर्टेनली इवन वाई वुड चेंज एट एवरी इंस्टेंट, दैट वुड बी डिफरेंट. ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ. अब मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूंगा, दैट ट्राइंगल ए एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एल बी, राइट? इसका रीजन हालांकि तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, आप 9th-10th में ये सब चीजें कर रखे हैं, यहाँ पे आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है. अगर सिर्फ आपने इतना लिख दिया दैट इज ओके, है ना, बट आपके समझने के लिए आप समझ सकते हैं ये दोनों 90 डिग्री हैं, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ही होगा, पर्सन सीधा ही खड़ा होगा, टेढ़ा तो नहीं होगा, वो लैम्प पोस्ट भी सीधी होगी, है ना, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बट दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट, एन एंगल ए इज कॉमन, सो दो एंगल्स इक्वल है तो क्वाइट ऑब्वियस थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. ऐसे भी देखते हो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी. सो वेन एवर द थ्री एंगल्स आर इक्वल द ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर, एंड वेन एवर द ट्राइंगल इज सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, आई कैन से दैट ए एम over AL is equal to, right? मैंने क्या बोला, AM over AL, ठीक है, no problem, is equal to MN over AP is equal to AN over AP, ठीक है, AN over AP, ये क्या कर दिया मैंने, MN लिया था तो यहाँ पे LP लेना चाहिए था ना, corresponding sides लेंगे ना, जिस ratio में अगर यहाँ MN तो यहाँ भी LP होगा. या ए एन मैंने लिया है, ए एन, तो फिर मैं ए पी ही लूंगा. ठीक है, अब मुझे देखना है कि हमारे मतलब की चीज क्या है, क्या ए एम और ए एल से कुछ पता लगेगा? ए एम और ए एल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इसको इग्नोर करूंगा. ठीक है, जो चीज मालूम है वहां वैल्यूज रखेंगे. एम एन की वैल्यू देखते हैं, एम एन कितना है भाई, एम एन इज 2, एल पी कितना है, एल पी इज 6, ए एन कितना है, ए एन इज y, और ए पी कितना है, ए पी इज x प्लस y. तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप x और y में सही सही से रिलेशंस बना लें तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, बिकॉज डिफरेंशिएट करने में तुम में से किसी को परेशानी नहीं आने वाली, राइट? यहां से तुमने इक्वेशन बनाई क्या, x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y, राइट, ट्वाइस ऑफ y. तुम्हें क्या दे रखा था बेटा, तुम्हें यहाँ पे इस पर्सन की स्पीड दे रखी थी, मतलब ये है क्या बेटा, दिस इज dx by dt, राइट, दिस इज what, दिस इज dx by dt. And what are you supposed to find? You are supposed to find dy by dt. तो अब मैं इस equation को अगर differentiate कर दूँ, differentiating equation 1 with respect to t, what do I get? I get dx by dt is equal to twice of dy by dt. Am I supposed to find dy by dt? Certainly yes. हमें यही तो पूछा गया है कि y किस rate से increase कर रहा है. तो मैं यहाँ पे देखूँ तो dy by dt की value मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा? dx by dt which is 5 and divided by 2, right? That thing will come in the denominator. So what should be the answer? It should be 2.5 kilometer per hour. ठीक है? और एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक ही होगा, बट फिर भी देख लेते हैं. 8th का आंसर 2.5 होना चाहिए. 8 काफी क्वेश्चंस हैं, राइट? मेरी आज की कोशिश यही है कि जितने भी टाइप हैं वो आज कवर कर पाएं. 8th इज 5/2 इन्होंने लिखा, दैट इज ऑल द सेम, राइट? तो हमने 2.5 लिखा, यू नो 5/2 लिखा, दैट इज ऑल द सेम, नो प्रॉब्लम. सो इफ इट इज ओके चिल्ड्रन, कैन यू प्लीज रेज द हैंड, अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन दैट वन मोर टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, इफ इट इज ओके प्लीज रेज योर हैंड फास्ट.
सो दैट आई वॉन्ट कि आज मैक्सिमम जो टाइप है वो सारे टाइप एक बार डिस्कस हो जाए, ताकि तुम जब घर पे करना शुरू करो तो तुम्हें कम से कम डाउट्स आने चाहिए बच्चों, ठीक है? दैट इज द ओनली पर्पस. चलो आओ देखते हैं. सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, नाइन्थ क्वेश्चन भी देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. राइट, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीन शॉट ले लो. आई विल वेट फॉर 3 सेकेंड्स. 3, 2, 1, डन. ओके, देखो भाई नाइन्थ क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. राइट, अगर तुम बोलोगे करने को तो मैं कर दूंगा, बट लेकिन मैं सिर्फ इसका हिंट देना चाहता हूँ ताकि तुम खुद से भी करो कुछ क्वेश्चन. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल. राइट, यहाँ पे वेव्स की जगह अगर मैं इंग्लिश में बेटर वर्ड यूज करूँ तो यहाँ पे रिपल्स होने चाहिए थे ना. वेव्स नहीं होते, रिपल्स होते हैं. When there, when, I mean, when the water is standing still, it's not moving, then you get what? You get ripples. Okay? Ripples are there. Chalo, anyways. So, ripples move in circles at a speed of 4 centimeter per second. Okay? Iski speed de rakhi hai. Ripples ki speed de rakhi hai. Bahut badhiya hai. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter. Okay. How fast is the enclosed area increasing? ठीक है, no problem. देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें hint दूंगा, ठीक है? ध्यान से समझना. भाई ripples कुछ ऐसी बनते हैं ना, circular ही बनते हैं बेटा, right? Concentric circles होते हैं, in fact, है ना? They have the same center, right? ये मेरा circle थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इसको ठीक कर देता हूँ, right? अभी भी ठीक नहीं है, but I hope you know that what is the meaning of concentric circles, right? When they have the same center, when they share the same center, they're called concentric circles. So ripples भी ऐसी होते हैं ना? सर्कल्स ऐसे छोटे छोटे बनते जाते तो ये आपके सपोज करो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो दिया है कि द वेव मूव एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है? इससे आप अपने मैथमेटिक्स में क्या समझते हो, इसमें आपको ये समझना चाहिए कि अगर इसकी जो रेडियस है वेरिएबल रेडियस है, राइट, तो ये जो रिपल्स की मूवमेंट है क्या वो रेडियस की मूवमेंट नहीं है? सर्टेनली यस. व्हाट इज दैट? It is 4 centimeter per second. Okay, the radius is moving at what rate? The ripples jis rate se move karenge, usi rate se radius bhi move karte hai na. So it is 4 centimeter per second. There is one thing that we know. Acha, ab kya pooch rahe hain? How fast is the area increasing? Tumhe batana hai ki dA by dt kitna hoga jab radius iska 10 hai. Ye to yaar maine pure question solve kar diya hai. Haddi ho gayi. Main chah raha tha ki ye tum karte. तुम लोग बोलते भी नहीं हो कुछ, यहाँ सर आप रहने दो. चलो कोई बात नहीं. तो ये तुम्हारे पास एरिया का फॉर्मूला सर्कल का तुम्हें मालूम है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. तो डीए बाई डी टी यानी यू विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 2πr dr/dt. ठीक है, और बस खत्म हो गया क्वेश्चन. दिस इज 2π, आर की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है, dr/dt 4 बता रखा है. यूनिट चेक कर लेना है ना, कई बार कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस में कहीं पे सेंटीमीटर कहीं पे मीटर यूज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बट यहाँ पे द गुड साइड इज कि यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सो एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर. तो यूनिट्स में कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. ये कितना हो गया? 20 × 4, दिस कमिंग आउट टू बी 80. सो आई लीव द आंसर इन पाई. मैंने बोला 7 का अगर मल्टीपल नहीं है तो आई लीव इट एज पाई. व्हाट इज द आंसर? 80π cm² per second. ठीक है, that is how it should have been done, and I hope it is okay. So Prachi and Debolina, how was your paper bachon? Kaisa hua paper aaj? Kaun sa subject tha? So maths. Oh, wonderful. Kaisa hua paper? What was the syllabus? So integration and function. Integration pahunch gaye tum log? Kamaal hai yaar. So school ke teachers waise hi bhagte hain. Syllabus matlab August mein finish kar rahe hain kya? स्कूल के टीचर तो मतलब कुछ हुआ, मतलब दो सम कराते हैं, 10 sums कराते हैं, पूरा बाकी होमवर्क दे देते हैं. अच्छा, चलो एनीवेज पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का? फंक्शंस तो अच्छा हुआ होगा. आई गॉट 24 out of 25. अरे वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट डेबोलिना? सर हम ही बोल रहे हैं. अच्छा, आई गॉट 24 out of. सर एक माइनस छूट गया था, सेम आंसर था तो मतलब कंफ्यूजन हो गया था. व्हाट अबाउट प्राची, कितने है बेटा? उतना हार्ड नहीं था.
चलो चलो लेट्स गेट बैक टू स्टडी. मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली है, आई विल शेयर इट आफ्टर द क्लास. ठीक है, मैं दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगा, कल वाला भी कर दूंगा. पार्थ वाज नॉट देयर यस्टरडे, तो मैं कल वाला ही वीडियो अपलोड कर दूंगा. प्लीज डू वॉच इट पार्थ, राइट. और आज वाला ही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास. लेट्स मूव अहेड. वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आइए देखते हैं. ये पोल टाइप वी हैव डन, राइट. ये शैडो वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो अब तुम इसमें इजीली इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो. ठीक है, एक इसमें सजेशन देना चाहूंगा. कई बार दे आस्क यू एट व्हाट रेट the length of the shadow is increasing, right? So, इसमें तुम वही करना जो मैंने अभी करा है. ठीक है, यहाँ पे भी length of the shadow is increasing, तो इसमें वही करना जो हमने किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कई बार ना कुछ डिफरेंट भी पूछते हैं जो मुझे यहाँ एक्सरसाइज में नहीं दिख रहा. चलो मैं बता देता हूँ, आई टेल यू. कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो लेंथ ऑफ द शेडो टाइप क्वेश्चन है ना, इसमें कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि एट वॉट रेट द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग. वट इज द रेट ऑफ मूवमेंट, राइट. दे आर आस्किंग यू टिप ऑफ द शेडो. टिप ऑफ द शेडो क्या होता है बेटा? जो लास्ट पॉइंट होता है ना शेडो का, उसको टिप ऑफ द शेडो बोलते हैं. तो अगर कभी भी तुमसे टिप ऑफ द शेडो पूछते हैं बेटा, तो तुम उसी तरीके से करोगे जैसे मैंने बताया है. इसको तुम एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, या वाइस वर्सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब वो शेडो की लेंथ बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? डीवाई बाई डी टी. बट वेन दे आर आस्किंग यू वट इज द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द शेडो, ऑलवेज रिमेंबर द टिप ऑफ द शेडो इज ऑलवेज डी एक्स प्लस डी टी प्लस डीवाई बाई डी टी. ये दोनों स्पीड को ऐड करके ये इसकी स्पीड आती है, इस पॉइंट की स्पीड आती है. तो ध्यान रखना, जब कभी भी टिप ऑफ द शेडो वर्ड यूज होगा, ठीक है. छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं, ठीक है. तो अगर टिप ऑफ द शेडो बोल रहे हैं, तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए. इसमें दोनों स्पीड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इज इट ओके चिल्ड्रन? कैन यू प्लीज रेज हैंड इफ दैट इज ओके? क्विकली कैन यू रेज हैंड? ये छोटी छोटी बातें लिखते जाना नोट्स में. ये सब ऐसे पॉइंट्स है जहां मिस्टेक्स के स्कोप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. ये जो छोटी छोटी एडवाइसेस देता हूँ, इनको जरूर से आप प्रॉपरली नोट कर लिया करें अपने नोटबुक में, ठीक है. लेंथ ऑफ द शेडो पूछ रहे हैं, टिप ऑफ द शेडो पूछ रहे हैं, ठीक है. ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस, माइनर डिफरेंस पता होनी चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हमारे पास ये 12th क्वेश्चन दिख रहा है. ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा, राइट. आइए देखते हैं व्हाट इज दिस क्वेश्चन. सो दिस इज अ लेडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है. कोई सीढ़ी है जो वॉल पे लगी हुई है, ठीक है. ये लेट्स से दिस इज द वॉल, ठीक है. लेट्स से दिस इज द वॉल. आई एम ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ ड्रॉइंग एज नीट डायग्राम एज आई कैन, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट एबल टू, बट स्टिल. So let's say this is the ladder which is leaning on the wall. Okay, this is our ladder. Okay, ये आपकी सीढ़ी है और इस सीढ़ी की लेंथ दे रखी है 13 मीटर. ठीक है, this is 13 meter. All right. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall. ये जो फुट ऑफ द वॉल है ना, मतलब ये जो वॉल है, इससे ये आगे की तरफ इसको जनरेटर को पीछे खींच रहे हैं, ठीक है, वॉल से अलग खींच रहे हैं. एट द स्पीड ऑफ 1.5 meter per second, 1.5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग. ओके, वंडरफुल. लेडर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम. How far is it changing? How fast is it changing? हमें d theta by dt निकालना है when this is given to you. No problem. Okay. When the foot of the wall is 12 meters away from the wall, यानी जिस समय ये distance 12 meter है, उस समय d theta by dt कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, चलो let us try and find out. सबसे पहले तो मैं इसमें Pythagoras theorem use करके wall की length निकालूंगा, ठीक है. And I'm sure you understand. हालांकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको ये सब चीज़ें ओरली पता होना चाहिए कि 12, 13 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, राइट. ये सब बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जो तुम्हें कॉम्पिटिशन में भी एज इट इज मिल जाएंगे. तो ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़नी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है. तो वॉल की लेंथ कितनी है, मतलब ये जो जिस हाइट पे ये सीढ़ी लगी हुई है वॉल पे, इसकी लेंथ कितनी है? 5 meters. ये तुम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है. ओके, हमें तो थीटा चाहिए बेटा, हमें तो थीटा के बीच में एंगल एस्टैब्लिश करना है. तो मैं इस बात को कैसे देखूंगा? देखो, मैं अब यहाँ ऑब्वियसली बात है, दिस इज वेरिंग, दिस इज वेरिंग एंड थीटा इज वेरिंग, दिस इज कॉन्स्टेंट. नो, द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज कॉन्स्टेंट. वॉट इज चेंजिंग? द लेट्स कॉल इट एक्स, ठीक है. ये जो डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर इज चेंजिंग,
एंड द हाइट एट विच द लेडर इज स्टैंडिंग दैट इज चेंजिंग. तो जो वेरिएबल्स है मैं उसको एक्स और वाई लिखना प्रेफर करूंगा. ठीक है, दिस इज देयर. तो मैं इसमें क्या चीजें जानता हूँ, बट देखो मुझे कई बार कुछ क्वेश्चंस लेडर वाले ऐसे होते हैं जहां तुम्हें डी एक्स बाई डी टी दिया होता है और डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस दे हैव आज थीटा. सो सर्टेनली यू नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एक्स एंड वाई. ठीक है, तो मैं इसको कैसे देखूंगा, ध्यान से देखना. मैं इसमें कॉस थीटा देखना चाहूंगा. व्हाट इज कॉस थीटा? इट इज एक्स ओवर 13. आप पूछ सकते हो सर आप कॉस थीटा क्यों देख रहे हो, आप टैन थीटा क्यों नहीं ले रहे, आप साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे. मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए और जो चीज मुझे दे रखी है वहां पे मैं एंगल एस्टेब्लिश करना चाहूंगा. कहने का मतलब यह है कि जैसे डी एक्स बाई डी टी मुझे दे रखा है और डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो मैं वाई को क्यों लूँ? वाई शुड आई टेक अननेसेसरी वेरिएबल जिसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना पूछी गई है ना दे रखी है. आई होप यू अंडरस्टैंड माई सेंस एंड यू अंडरस्टैंड हाउ डू आई अप्रोच दैट क्वेश्चन, राइट? जो भी चीज तुमसे पूछी जा रही है, जो भी चीज तुम्हें दे रखी है, तुम सारा फोकस उस पर रखोगे ना. इसीलिए मैं कॉस थीटा लूंगा, साइन थीटा लेता तो मुझे क्या मिलता, वाई बाई 13 मिलता. टैन थीटा लेता तो वाई बाई एक्स मिलता. तो अननेसेसरली तीन वेरिएबल हो जाते हैं टैन थीटा में, तो वाई एक्स और थीटा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अब यहाँ से हमें समझना है कि हमें क्या दे रखा है बेटा. हमें दे रखा है डी एक्स बाई डी टी, दैट इज वाई, दैट इज वॉट इज गिवन टू अस, राइट? डी एक्स बाई डी टी इज गिवन टू अस. ठीक है, तो ओके, नो प्रॉब्लम. मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक्स इज इक्वल टू 13 कॉस थीटा, और मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड. इधर तुम लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज राइट इट. ओके, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू 13 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आई एम श्योर यू नो दैट इट इज साइन थीटा, और साथ में तुम्हारे पास कौन सा टर्म आएगा बेटा, डी थीटा बाई डी थीटा डी टी. ठीक है, आइए इसको यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है. तो मेरे पास डी थीटा ओवर डी टी, दिस इज कमिंग आउट टू बी डी एक्स बाई डी टी विच इज 1.5. आई विल पुट द वैल्यूज हियर, राइट, 1.5, और ये 13 राइट हैंड साइड पे जा करके डिवाइड हो जाएगा. माइनस साइन थीटा है, ठीक है, तो ये साइन थीटा कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. क्या साइन थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है? बिल्कुल मालूम है बेटा. कितनी है? इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, बिकॉज दे हैव सेड दैट एट द इंस्टेंट. इंस्टेंट क्या है? व्हेन दिस इज 12, इन्होंने दे रखा है. जब ये 12 है, ये परमानेंटली 13 है और ये 5 है, तो हम लोग क्यों ना साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. व्हाट इज दैट? साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13. सो यू इजीली गेट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा. दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.5/5, विच आई थिंक इज 0.3 विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो टेल कि सर ये जो आपके पास है अब ये इसको क्या लिखोगे, इसको तुम क्या लिखोगे, इसको हमें लिखना चाहिए 0.3 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, इसकी यूनिट हमें ये लिखनी चाहिए. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशिएशन सिर्फ एंगल में तभी होता है जब एंगल रेडियंस में होता है, कैन नेवर बी इन एनी ग्रेड्स और डिग्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर, और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, दैट द एंगल इज डिक्रीजिंग, क्वाइट ऑब्वियस. जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे ये सीडी इधर की तरफ लीन हो जाएगी ना, सो द थीटा वुड सडनली डिक्रीज. ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर. आओ एक बार चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं. पहले एक बार आंसर जरूर से चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था ना, 12 होगा. सो इट इज 0.3 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, इन्होंने माइनस साइन नहीं लिया है, बट आप माइनस साइन लेंगे, राइट? ठीक है, आप माइनस साइन लेंगे. ठीक है, यू शुड राइट देयर माइनस, एंड दैट शोज दैट इट इज डिक्रीजिंग. एंड हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द दिस चेंजिंग, बिकॉज इन्होंने चेंज वर्ड यूज किया है. अगर इन्होंने डिक्रीजिंग यूज किया होता, सी यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ टीचर जिसकी मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी ठीक है. ठीक है, तो इसलिए यू कैन बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, कॉम्पिटिशन में इन छोटी छोटी चीजों की बहुत बहुत मतलब होता है. यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कम मीनिंगफुल है, बट तुम्हें ये पता, जब चेंज बोल रहे हैं, चेंज कैन बी अ पॉजिटिव चेंज, चेंज कैन बी अ नेगेटिव चेंज, राइट? सो हैड दे बीन यूजिंग हाउ फास्ट इज द थीटा डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0.3 रेडियंस पर सेकेंड लिखता, बिकॉज डिक्रीज बोल रहे हैं तो मुझे माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है. But when they are saying changing, I must mention it is minus 0.3 radians per second. I hope my point is clear, children. Can I see your hands up if it is okay? If that is okay, can you show me your hands up fast?
प्राची, पार्थ, ध्रुव, अंशुमन, समझ में आ रहा है? अंशुमन आज तुम लेट हो गए थे। यस सर, सॉरी सर। कोई नहीं, ऑल राइट। चलो भाई देखो, तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे मूव करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, आज की क्लास के बाद जब आप क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस अब आपसे होने लगेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन, देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ठीक है, पार्टिकल जो है वो इस कर्व पे मूव कर रही है। जिन लोगों ने 11th क्लास में बढ़िया से पढ़ाई की है, क्या उनमें से कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स मुझे जल्दी से बताएगा ये कर्व कैसी होगी? कोई भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा ये y is equal to x square is equal to 2x, ये कर्व कैसी दिखेगी? एनी वन अमंग यू, जिन लोगों ने पैराबोला, मैंने कमेंट करने को कहा था। चलो पैराबोला, बिल्कुल सही, इट्स अ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। चलो अच्छी बात है, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये सब चीजें तुम्हें सर्टेनली पता होनी चाहिए, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिशन की तरफ मूव करने की सोचते हैं, ठीक है, ये सब चीजें देख के समझ में आनी चाहिए। ओके, At what point on the curve x and y coordinates of the particle changing at the same rate? किस point पे ये जो आपका x और y है वो same rate पे change होगा, ठीक है? Same rate पे change होने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा point होगा जहाँ तुम्हारे पास dy by dt और dx by dt दोनों equal होंगे, ठीक है? जिस रेट से x चेंज हो रहा है उसी रेट से y चेंज होगा, that is what they have given, no? मैंने क्या बोला, बस वर्ड्स को तुम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में ले लो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ठीक है, बस तुम्हें सही तरीके से उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे देना है, दैट इज ऑल। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, यू हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय एन इक्वेशन दैट रिलेट्स x एंड y, व्हिच इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस twice of x. Certainly, अब क्या करेंगे, we'll differentiate with respect to t. आइए करते हैं, कितना आ गया, dy by dt is equal to twice of x dx by dt twice of dx by dt. I hope there is no problem in the differentiation part. अब क्या करें, हमें तो x और y की वैल्यू पूछी गई है और हम लोग फंस गए dy और dx के चक्कर में। कोई बात नहीं बेटा, substitute from equation number 1. ये dy by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx by dt लिख सकता हूँ, तो मैं इधर dx by dt लिखता हूँ, ये सारी चीज लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। dx by dt अगर मैं कॉमन ले लूँ, राइट, या मैंने इसको, चलो राइट, तुमने से किसी को परेशानी ना हो इसीलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ क्या आएगा भाई, ये तुम्हारे पास आ गया 2x plus 2, ठीक है। तो अगर तुम dx by dt को अब लेफ्ट साइड पे ले जाओ और कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास -2x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या होगी, इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, dx by dt तो 0 होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट इट इज चेंजिंग, एंड एनीथिंग व्हिच इज चेंजिंग उसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, एनीथिंग व्हिच इज कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होगा। तो व्हाट एल्स इज 0, दिस पार्ट इज 0। व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस दैट माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो यू से दैट x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, x is equal to कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, बट हमसे तो इन्होंने पॉइंट पूछा था, राइट, और पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने पढ़ रखा है पॉइंट इज ऑलवेज व्हाट, x y, तो x को पता लग गया, y कैसे करें, कोई बात नहीं, यहां इक्वेशन दे तो रखी x और y की, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो मैंने यहां पे माइनस हाफ रखा बेटा, माइनस हाफ रखा तो ये मेरे पास आ गया 1/4, और यहां जब मैंने माइनस हाफ रखा तो ये 2 × -1/2, ये मुझे मिल रहा है -1, तो ये वाली चीज आ रही है -3/4। यानी मेरा आंसर जो होना चाहिए इस क्वेश्चन में, फाइनल आंसर, वो मैं लिखूंगा x की जगह पे -1/2 और y की जगह पे -3/4। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नॉट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बट आल्सो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, सो नॉट अ डिफिकल्ट वन बट अ गुड वन, राइट। आंसर मैच करें, आओ एक बार देख लेते हैं, 13th का -1/2 -3/4 होना चाहिए, आओ एक बार फटाफट से देखते हैं, 13, 30, चला गया बहुत पीछे, -1/2 एंड -3/4, ठीक है। तो इन सब में देखो, तुम अगर एक बात समझ रहे हो तो मेन फोकस हमारा क्या है, मेन फोकस डिफरेंशिएट करना नहीं है, मेन फोकस ये है कि जो वर्ड्स दे रखे हैं उसको तुम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। दो चीजों को तुम्हें ध्यान देना, अगर तुमने सिर्फ ये दो बातें कर ली तो तुम कैसे भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। पहली चीज
क्या रिलेशन हमें दे रखा है वर्ड्स के फॉर्म में, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस, द की एरियाज वेयर यू विल स्ट्रेट अवे गेट द सॉल्यूशन एंड ऑलवेज गेट द सॉल्यूशन. पहली चीज क्या, क्या दे रखा है, ठीक है. दूसरी चीज क्या पूछा गया है, किससे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. अब शैडो वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, राइट, या फिर ये लेडर वाला क्वेश्चन था. अब अगर थीटा बोल रहे हैं तो हमने थीटा के फॉर्म में इक्वेशन बनाई. कई बार बोलते हैं हाइट ऑफ द वॉल किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, तो वहां वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनाते, ठीक है. तो जहां जो चीज दी हुई है, जो चीज पूछी गई है, उस पर तुम्हारा खास फोकस होना चाहिए. अगर आप प्रॉपरली उन सब पे, दोनों पे सही तरीके से फोकस कर पाएंगे तो फिर आप क्वेश्चंस इजीली करेंगे, दे आर नॉट वेरी चैलेंजिंग, ठीक है. आइए थोड़ा सा और मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी मैं देखना चाहूंगा. जैसे अभी एक क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक दिखा नहीं, राइट. ये सब हो जाएगा, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे तुमने कर रखा है ना, जैसे साइन वाला किया था वैसे हो जाएगा, ठीक है. थीटा वाला जो समृद्धि का डाउट था, तो ये सब हो जाएगा आपसे, ठीक है. ये लीडर वाला क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये भी तुमसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें हाउ फार, इसमें वाई डी वाई बाई डी टी पूछ रहे हैं, ठीक है ना बेटा. तो ये सब क्वेश्चंस अब तुमसे हो जाएंगे, राइट. वहाँ थीटा पूछा था, यहाँ डी वाई बाई डी टी पूछ रहे हैं, किस रेट से जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है. तो दैट देयर आस्किंग दैट बलून, राइट, सर्कुलर कोन, इन्वर्टेड कोन, द हाइट इज दिस, द रेडियस इज दिस. ओके, चलो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं. ये वाले हमने अभी टच नहीं किए, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है. हमने स्फीयर टच कर लिया, सर्कल टच कर लिया, रिपल्स बन रहे हैं ये देख लिया, लेडर ऊपर नीचे हो रहा है वो देख लिया, थीटा चेंज हो रहा है ये देखा, राइट. हमने ये अभी कोई भी कोण में कोई चेंज हो रहा है वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं किए, क्यूब वाले भी हमने किए. और चलो इस टाइप को भी टच करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, राइट. व्हाट इज द लेसन विद दिस क्वेश्चन, लेट्स सी. Water is running out into an inverted cone at the rate of pi cubic meters per meter. ठीक है, कोई inverted cone है. Inverted cone कैसा होता है? Inverted cone होता है कि उसका जो tip है वो नीचे होगा और उसका base ऊपर होगा, ठीक है. That is an inverted cone. ठीक है, अगर base नीचे होता तो वो एक सीधा cone होता. Inverted मतलब उल्टा, ठीक है. तो यहाँ पे water is running, यहाँ पे जो है इसमें वाटर आ रहा है. व्हाट इज द रेट, इट इज पाई क्यूबिक मीटर्स. क्यूबिक मीटर्स इज व्हाट, इट इज एम क्यूब ओवर पर मिनट. तो एक्चुअली अगर आप समझें कि इन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने तुम्हें डीवी बाई डीटी दिया है, द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग, राइट. इसमें पानी भरा जा रहा है, पानी अगर भरा जा रहा है ना, वाटर इज रनिंग इन टू अर, तो पानी भर रहे हैं किसी कोनिकल शेप में, तो ऑब्वियसली बात है द लेवल विल राइज, राइट, इट विल कॉन्स्टेंटली राइज. And what is the rate at which the water is being felt? It is pi meter cube per minute. Okay, the first thing that you should notice. All right. The height of the cone is 10 meters and the radius of the base is 5. All right. Ab ye kya bol rahe? This radius is 5 meters. Okay. And the height, dhyan rakhna, slant height aur height mein difference hota hai. Ye baat maine kal bhi batai thi. Okay. This is your height and this, ye jo slant height, ye slant height. Ye sab basic baatein hai, tumhe pata bhi honi chahiye, but fir bhi main baar baar repeat karta rehta hu. तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट इजीली हम देख सकें. ये 5 है और हाइट इन्होंने 10 दे रखी है, ठीक है. द हाइट इज 10, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. और क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द वाटर स्टैंड्स 7.5 मीटर बिलो द बेस, राइट. ये जो हमारा है वाटर का लेवल, यानी हमें क्या बताना है, हमें इसमें डी एच बाई डी टी बताना है, राइट. आपको क्या बताना है बेटा इसमें, you have to find what is dh by dt. देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ये सारी बातें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें जरूर से देते हैं, ठीक है. तो आपको ये चीज पता लग गई कि हाँ भाई दिस इज द रिलेशन, ओके. अब ये क्या कह रहे हैं फर्दर, आपसे ये कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ द बेस इज दिस, ओके. हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द वाटर स्टैंड 7.5 मीटर बिलो द बेस, 7.5 मीटर बिलो द बेस, ठीक है. ये मान लो ये तुम्हारा बस बेस है, तो यहाँ से जो वाटर का जो लेवल है ना, ये 7.5 मीटर का है, ठीक है. अगर 7.5 मीटर का है तो समझने की बात ये है कि कितना पानी ऑलरेडी भरा जा चुका है बेटा, 2.5 मीटर, ठीक है. दिस इज 2.5 मीटर, ऑलराइट. सो बढ़िया है. अब देखो इसमें तुम्हें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें इस पॉइंट पे रेडियस भी देखना पड़ेगा, राइट. और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करूंगा.
डायग्राम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगुलर पार्ट है, इसको मैं अलग से यहाँ पे जूम कर देता हूँ। आप भी चाहें तो ऐसे दो डायग्राम्स आप बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज योर 5, दिस इज योर 10। फॉर द सेक ऑफ इजी रिप्रेजेंटेशन आई विल नेम इट एज ए बी एंड सी। द सेम रिप्रेजेंटेशन शुड बी यूज्ड हियर, ए बी एंड सी। लेट दिस पॉइंट बी डी एंड ई, लेट दिस पॉइंट बी D and E. So as per the question, it is known to us that AD is 2.5. Okay, AD is 2.5. Can I calculate the value of DE? Certainly yes, right? Triangle यहाँ से करना शुरू करता हूँ, ठीक है? यहाँ से हम लोग इसको solve करना शुरू करते हैं. Let me take it here. तो आइए देखें. Triangle ADE is similar to triangle ABC, ठीक है? Therefore, जिसके बीच में relation चाहिए सिर्फ उस पे focus करो, जो दे रखा है और जो निकालना है पूरा focus वहाँ पे करो। तुम्हें AD दे रखा है तो AD over AB, ठीक है? तुम्हें क्या निकालना है? B, मतलब corresponding sides ही equal होते हैं ना, corresponding sides same proportion में होते हैं, तो DE over BC। यहाँ से तुम्हें DE की वैल्यू पता लग गई कि जिस समय हाइट 2.5 उस समय रेडियस कितना होगा, ये तुम्हें डायरेक्टली पता लग गया। AD कितना दे रखा है बेटा, ये 2.5 है। AB कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। DE की वैल्यू हमें चाहिए थी और BC कितना दे रखा है, इट इज 5। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और मैंने DE की वैल्यू कैलकुलेट की, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.25, राइट? 2.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.25। तो ये जो छोटा सा, ये भी तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी तुम्हारे पास, ये क्या है, ये भी तो एक कोन ही है ना, दिस आल्सो अ कोन, ठीक है? तो ये जो कोन है इसका रेडियस हमें पता लग गया क्या है, ओके? अब हमें क्या करना है, हमें dh by dt निकालना है बेटा, ठीक है? चलो देखते हैं, हमें मालूम क्या है, हमें dv by dt मालूम है, तो सर्टेन सी ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ पे वॉल्यूम से शुरू करेंगे, ठीक है? वी वुड लाइक टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद द वॉल्यूम, ठीक है? देखिए कैसे शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया, राइट? उसके बाद मैंने वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई बाय 3 r² h, ठीक है? r² h, ये हमारे पास मालूम है, ठीक है? अब इस पॉइंट पे हमें dv by dt चाहिए और क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे r और h दोनों वेरिएबल्स हैं, राइट? वी शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे r और h दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ये बात हमें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है? दोनों ही चेंज हो रहे हैं ना, जैसे जैसे पानी इंक्रीज होगा, इवन r इज इंक्रीजिंग एंड इवन h इज इंक्रीजिंग, सो बोथ ऑफ देम आर वेरिएबल्स, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? नो इश्यूज, क्योंकि हमें h भी मालूम है और हमें r भी मालूम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इन्होंने हमसे dh by dt पूछा है, तो अगर r को हम लोग कैसे भी रिप्लेस कर लें h के फॉर्म में तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं हम लोग r और h के फॉर्म में क्या कह सकते हैं। व्हेन वाटर इज रनिंग द हाइट ऑफ द कोन इज दिस, रेडियस इज दिस, ओके? अगर मैं r और h के बीच का रिलेशन देखूं, तो यहाँ पे मैं ये रिलेशन देख रहा हूँ कि r जो है रेडियस इज 10, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, रेडियस इज 10 एंड सॉरी रेडियस इज 5 एंड द हाइट इज 10, यानी r जो है वो एग्जैक्टली डबल है। यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी देखो, रेडियस तुम्हारा कितना था, रेडियस हमारा 1.25 है और हाइट कितनी है, 2.5 है, एग्जैक्टली। तो यहाँ से देखो, r और h के बीच में मुझे एक रिलेशन पता लग रहा है, व्हाट? दैट द रेडियस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाइट, और यू से दैट द हाइट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट r इज व्हाट, r इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं इस r को h के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो यही, दीज आर द डिसाइडिंग पॉइंट्स दैट विल टेक यू थ्रू इन द क्वेश्चन, राइट? इस इक्वेशन में जो इक्वेशन मैंने ये बनाई, ये r और h दोनों जगह पे, और हमें मालूम है कि r और h दोनों वेरिएबल हैं, बट हमें जो चीज चाहिए मैं उसमें ही कन्वर्ट करूंगा ना। अगर ये बोल रहे होते एट व्हाट रेट द रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में मैं इसको r के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता, बट यहाँ पे क्योंकि वो dh by dt बोल रहे हैं, तो मैं r और h के बीच का रिलेशन निकालूंगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, काम हो जाएगा, ठीक है? तो आओ, मैं अब यहाँ पे r की जगह पे क्या रखना चाहूंगा बेटा, मैं r की जगह पे h by 2 रखना चाहूंगा। देखो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई बाई 3, मैंने h by 2 रखा, तो ये आ गया मेरे पास h स्क्वायर ओवर 4 एंड दिस इज h, सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट पाई h क्यूब
divided by 12. That is your volume in the form of H. Now, shall I differentiate with respect to T? Certainly, yes. Right? ये आ गया तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे dv by dt और इधर कितना हो गया 3 times pi over 12 h square और साथ में कितना आया बेटा dh by dt. h की वैल्यू हमें दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है बेटा. h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2.5. dh by dt कैलकुलेट हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा. क्यों? बिकॉज dv by dt भी तुम्हें मालूम है. इज इट ओके चिल्ड्रेन? कैन यू शो मी योर हैंड्स अप इफ इट इज ओके? Can you quickly raise your hand if that is fine, children? ठीक है. So I'll stop it here, right? और कोई question type तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए. But फिर भी हम इस पे अभी at least एक class और रखेंगे. ठीक है? समृद्धि तुमने एक question पूछा था बेटा. अब तुम उस question को try करना. मेरे ख्याल से अब तुमसे हो जाएगा. In case नहीं होता है तो मुझे एक बार WhatsApp पे reminder डाल देना. मैं कल की class में उसको include कर लूँगा. Okay बेटा? Right sir. Right. So, thank you, children. Let's meet tomorrow. कल मिलते हैं. अब please make sure